सॉरी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी जी को इंसल्ट किया, जिसकी वजह से वहां के काफी लोगों ने काफी स्ट्राइक्स भी किए और काफी बुरा इम्पैक्ट किया पाकिस्तान का पूरी दुनिया में। और अब उन्होंने एक जगह बैठ कर ये कहा है और ये लोग मुझे गधों की तरह ट्रीट करते हैं। तो तुम ये बात नहीं कर सकते कि यार तुम्हें गधों की तरह ट्रीट किया जा रहा है, तुम्हें इसलिए ट्रीट किया जा रहा है क्योंकि तुम ट्रीट हो रहे हो। अपना नाम बता दिया, ओके यार ये भी मेरा नाम है, इसे भी छेड़ लो, ठीक है मेरा नाम बिल्लो तो था ही, मुझे गधा भी कह लो। इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमिकल वैल्यूज इतनी खराब हैं कि आपको शायद इस चीज का नाम बताओ, वी वर क्लोज टू बी बैंकक्रप्टेड। ओके, खान की मुलाकात इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ हुई और उन्होंने मुलाकात के बाद ऐलान किया कि वो बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे नए फीचर्स जो हैं वो इंडिया में लॉन्च करने जा रहे हैं, जिनमें सरे फहरिस्त है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या कहेंगे आप? देखें, इंडिया की जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर या आईटी के अंदर जितना इंडिया बूम कर रहा है, ग्रूम कर रहा है, हमारा तो मुकाबला है ही नहीं पे। इसकी वजह से एक आईटी इनका है सेक्टर बहुत डेवलप कर रहा है हमारे मुकाबले में। ना सिर्फ गूगल, इतनी सारी विश्व की बड़ी बड़ी कंपनीज उठ करके भारत आ रही हैं, चाइना को छोड़ करके, अलग अलग देशों को छोड़ के, यूरोप के कई देशों को छोड़ के, अरब के कई देशों को छोड़ के, यहाँ पर कई सारी कंपनीज अपना सेटअप बना रही हैं। पाकिस्तानी बेचारे इसी में परेशान है कि एक तरफ तो वही गूगल है जिसने हमको फटकार मारी, जिसने अपनी सुविधाएं हमारे यहाँ पे बंद करने की तैयारी कर रहा है, जिसने हमारे ऊपर एक एक जुर्माने मार रखे हैं, और भारत में इतने बड़े बड़े नए नए प्रयोग करता जा रहा है, भारत में इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, भारत में नई नई चीज़ें लेकर भी आ रहा है। तो आखिर जवाब सीधा सा है, भारत उनको कमा कर देता है, आप ना उसकी इज्जत करते हैं ना आप उसको कमा कर देते हैं, बल्कि उसका पैसा और मार लेते हैं। तो कहाँ से आपके बारे में कोई भी अच्छे सोचने की थोड़ा सा विचार भी कर सकते, जरा सा भी क्यों सोचे कोई अच्छा के बारे में? भारत से अगर नहीं करेंगे भारत के बारे में, तो भारत में तो दूसरे अल्टरनेटिव बढ़ जाएंगे। भारत को यहाँ पर बढ़ाना, भारत की विशेष सेवा करना मजबूरी है सारे कॉर्पोरेट्स की। एग्जैक्टली ऐसे यार, जो रिस्पेक्ट है ना वो पैसे से ही मिलनी है भाई, सीधी बात है। ठीक है, तुम लोगों ने अपने मुल्क के साथ बेच दिए, ठीक है, तुम लोगों ने अपने मुल्क को एक्सप्लोर नहीं किया, जो सबसे बड़ी तुम्हारी ड्रॉबैक्स के अंदर से एक चीज़ आती है। तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे अपने मुल्क में कोयला कितना है, सोना कितना है, ठीक है, एंड देन यू आर सेइंग दैट कि यू आर नॉट ट्रीटिंग लाइक यू हैव नॉट बीन ट्रीटेड लाइक द अदर्स। लाइक अब तुम सऊदीया के प्रिंस की बात करते हो, ठीक है यार वो एक प्रिंस है, ठीक है, तुम उसे देखो, अगर उसका जहाज यहाँ पे आके पाकिस्तान में लैंड हुआ था, एक दूसरे जहाज के अंदर उसका खाना साथ आया था, ठीक है। इतना ये इलिटरेट और अहमक आदमी है बिलावल भुट्टो, उसने यहाँ तक कहा कि उसामा बिन लादेन तो मर चुका है, जिसको शहीद कहा था पार्लियामेंट में इमरान खान, उन्होंने कहा वो तो मर चुका है लेकिन मोदी जिंदा है और प्राइम मिनिस्टर, यानी वो ये क्या कहना चाहते हैं कि मोदी जो है वो उसामा बिन लादेन के बराबर है, उनको भी मर चुका होना चाहिए, मतलब वो टेररिस्ट बता रहे थे इंडियन प्राइम मिनिस्टर को। उसके बाद पाकिस्तान की ये तवक्को हो कि भारत के साथ उनके तल्लुकात नॉर्मल हो, चूंकि ये तल्लुकात की नॉर्मेलिटी जो है ना ये पाकिस्तान की जरूरत है, भारत की नहीं है। बिल्कुल। तो इस तरह की घटिया जुबान इस्तेमाल करने के बाद, इस तरह की अनडिप्लोमेटिक जुबान इस्तेमाल करने के बाद, छोटे की तमीज भी होनी चाहिए, फिर एक डिप्लोमेसी का एक कोर होता है। अब ये तो एतराज कर सकते हैं उनकी बात से, बिल्कुल एतराज कर सकते हैं, लेकिन जयशंकर जी, अब जयशंकर जी एट द फर्स्ट हैंड ये तो नहीं कहेंगे ना कि जी ये जो है भट्टो फैमिली के जो पॉलिटिशियंस हैं, दे आर बुचर ऑफ हिंदू गर्ल्स, ठीक है ना। अब वो मियां मिठू तो इन्हीं की पार्टी के ना, वो कोई ऐसी बात तो नहीं कहेंगे ना, वो वैसे कहेंगे कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, जो एक जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती है वो बरतेंगे। अब ये फॉरेन मिनिस्टर वहां पे बैठा हुआ इस तरह की जुबान बरत रहा है। अच्छा, फिर ये लोग तालियां बजा रहे हैं। एक पुरानी कहावत है कि मुल्ला नसीरुद्दीन एक हुआ करते थे, कहानियों की कहावत है, उनके पास एक उनका चेला बैठा हुआ था और एक आदमी को सलाह लेने आया, तो उसने एक स्टुपिड सी बात की, तो उन्होंने मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा कि ये बात मैंने ठीक की है? की स्टडीज नहीं करवाई जाती है, हमारा मुकाबला तो है ही नहीं, हम अपने साथ मुकाबला नहीं कर सकते, उनको छोड़ दें, हम अपने साथ मुकाबला नहीं कर सकते। अगर हमारा जो ओवरऑल एक हमारी टाइमलाइन दिया जाता है, हमें एक आउटलाइन कोर्स दिया जाता है, उसके अंदर देखें तो साल हर साल वही है, F is equal to M है, पेज नंबर 10 में था 10 साल पहले, आज भी पेज नंबर 10 F is equal to M है। जी डेफिनेटली मैं इस पे बिलीव करता हूँ, क्योंकि
बहुत से इंडियंस हैं जो वहाँ की कंपनीज में जॉब कर रहे हैं और एक अच्छे रैंक पे कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली लोगों को वैसे फैसिलिटेट नहीं किया जाता, वैसी सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड होते एजुकेशन सिस्टम में, जिसकी वजह से कि ये एक अच्छी कंपनी में एक हाई रैंक पे जाके अपनी जॉब को चलाएं और दूसरा पाकिस्तान में वो उसी स्किल को, उस नॉलेज को लेके आए जिससे पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो और इसकी हुकूमत को भी फ़ायदा हो। यह तो जिस हिसाब से वो ग्रो कर रहे हैं तो उनको वाकई ये चीज़ें उनके लिए ईजी हैं और सही है। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज़ है जो हर दुनिया के हर कोने में होनी चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली जो मार्केट ग्रो करेगी, जो कंट्री ग्रो करेगा वो उधर ही जाएगी और इंडिया इज़ द लाइक टॉप प्लेस्ड इन द वर्ल्ड, और कुछ आने वाले टाइम में तो बहुत ही वो आगे जाने वाला है। फाइन यार, बट चेंज करें ना, टाइम के साथ साथ चेंज करें। अब अमेरिका के अंदर और ब्रिटेन के अंदर आपका जो कॉन्टेंट होता है वो ईयरली वो चेंज होता है, वो चेक करते हैं कि इस टाइम क्लाइमेट चेंज का आपका मेनली फोकस है, तो वो अपने कोर्स आउटलाइन के अंदर उन चीज़ को चेंज करते हैं। हमारे यहाँ आज भी वही, मेरे वालिद साहब ने F=MA पेज 10 पैराग्राफ नंबर 5 लाइन नंबर 7 में पढ़ा, मैंने भी उसमें पढ़ा है। अच्छा। तो देर इज डिफरेंस ऑफ 40 ईयर्स। हम हुकूमत की ही जानिब से कुछ हमारे कह लें कि उनके कोई स्टेप्स नहीं ले पा रहे वो इससे रेलिवेंट, अगर वो पॉलिटिक्स से थोड़ा बाहर आएँ और इस टेक्नोलॉजी की तरफ थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करें। या पहले तो जैसे पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालात है ना, तो हमने शायद $30 मिलियन समथिंग उनके ब्लॉक किए थे गूगल के, मुझे जितना याद है। तो गूगल ने वार्न किया था हमें और बाद में साइन ऑफ रिलीफ भी हुआ था, जिसकी वजह से उन्होंने कहा था कि चलो हम कंटिन्यू करेंगे। तो जितना अब पाकिस्तान में, मैं खुद IT का स्टूडेंट हूँ, तो जितना मुझे पता है IT में मैं पढ़ता हूँ ना, और आई डोंट फील कि हम वाकई पढ़ भी रहे हैं। मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं IT में। जी, इस बात से मैं टोटली एग्री करूँगा, क्योंकि बहुत सी कंपनीज हैं अमेरिकन्स और जो कि चाइना और इंडिया में आके अपना इन्वेस्ट करती हैं, क्योंकि वहाँ बहुत से उनको फ्री टैक्स जोन भी प्रोवाइड किया जाता है। पाकिस्तान में ऐसी सर्विसेज नहीं दी जाती उन कंपनीज को जो कि फ्री टैक्स हों या टैक्स हों उनको थोड़ा सा फ्री मिले, ताकि वो पाकिस्तान में भी इन्वेस्ट करें और पाकिस्तान के भी लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले और एम्प्लॉयमेंट रेशियो बढ़ो। लेकिन एज़ कम्पेयर टू इंडिया, इंडिया की हुकूमत बाहर की कंपनीज को ये प्रोवाइड करती है और वो फिर बाहर की कंपनियां भी इधर आके इन्वेस्ट करती हैं। हम गिसे पिटे पुराने वही 1999 के वही छोटे सब्जेक्ट पढ़े और नॉट रिलेटेड टू अवर कोर्सेज, जैसे कि अब मैं 5th सेमेस्टर में और हमें चाइनीज़ पढ़ाई जाती है। 4th सेमेस्टर में हमें पढ़ाया गया जैसे कि एथिक्स, इस्लामियात, अरब, मतलब ये चीज़ें क्यों पढ़ाई जा रही हैं, पाक स्टडी क्यों पढ़ाई जा रही है हमें कंप्यूटर साइंस में, और मेन कोर्सेज पे क्यों नहीं आ रहे हैं, और हमें मेन कोर्सेज किस तरह पढ़ाए जाते हैं। जैसे कि 1st सेमेस्टर में मैं था तो हमें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर मतलब कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है, हमें 1st सेमेस्टर में ये पढ़ाया जाता है। कहाँ इंडिया, कहाँ बाकी दीगर दुनिया, कहाँ। तो इसलिए हमारे पास हमारी यूनिवर्सिटीज़ का मैार, हमारे स्कूल का मैार, जब तक कोर्स आउटलाइन टाइमली अपडेट नहीं होगा। बात सिर्फ एक गूगल जैसी कंपनी की नहीं है, अनेकों कंपनियां ऐसी हैं जो बड़े बड़े देशों को छोड़ करके, खास तौर पर चाइना को छोड़ करके भारत में आ रही हैं, तो फिर पाकिस्तान को छोड़ करके यहाँ आना कौन सी बड़ी बात है। पाकिस्तानी इसी में परेशान है कि यहाँ पर हमारे पे नहीं ध्यान दिया जा रहा, भारत पर सारा ध्यान दिया जा रहा है, तुम देखो चाइना पर नहीं ध्यान दिया जा रहा। चाइना से अपना पूरा का पूरा सिस्टम वाइंड अप करके, पूरी इंडस्ट्री वाइंड अप करके भारत ला रहे हैं, क्यों ला रहे हैं। पहला कारण है कि इंडिया एक ally है, सबको पता है ये। आप अगर उस चीज़ को ध्यान से देखो ना, ये माहौल बनाया जा रहा है, ये इंडिया का अभी तो जो फ़ायदा है जो है, इससे इंडिया के फ़ायदे में लोग मोटा मोटी तुरंत तुरंत में बात करें तो एक एम्प्लॉयमेंट यहाँ बढ़ने वाली है, दूसरे यहाँ की सरकार को टैक्स ज़्यादा मिलने वाला है, अमूमन यहाँ पर थोड़ा सा सस्ते प्रोडक्ट्स की हम लोग गुंजाइश कर सकते हैं कि यहाँ पे, क्योंकि यहीं पर बन रहा है इसलिए प्रोडक्ट थोड़ा सस्ता ऐसा हो सकता है। उसके बाद जब एक कोई चीज़ आती है उसको देखते 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 पूरा हब बन जाता है, और इंडियन व्यापारियों में ये बहुत टैलेंट भी है ज़बरदस्त। जैसे हम देखें कार्स का यहाँ पे क्या था, कुछ नहीं था, जब से मारुति और होंडा और ये सब गाड़ियाँ आई उसके बाद से इंडियन कंपनीज भी उभरने लगी, तभी टाटा महिंद्रा उसके पहले उतना मजबूत नहीं थे जितना इन सब कंपनीज के आने के बाद, कॉम्पिटिशन के आने के बाद इतना इवॉल्व कर गए। तो कहीं ना कहीं उसके बाद हमारे लोकल प्लेयर भी जो उस सेगमेंट में है वो भी उभरते हैं। उससे बड़ी चीज़ जो ये है, तैयारी करी जा रही है। अमेरिका ने बहुत बुरी तरह से झेला है और झेल रहा है बिना तैयारी के रशिया को छेड़ने का क्या नतीजा है। बिना तैयारी के रशिया को छेड़ा, हुआ क्या रशिया को, तो जो नुकसान हुआ सो हुआ। यहाँ पे पूरा यूरोपियन यूनियन आज मंदी में है,
यूरोपियन यूनियन में रिसेशन बहुत भयानक बढ़ता चला जा रहा है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, महंगाई बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है, गैस क्राइसिस बहुत भारी जो है वो हर दिन के साथ बढ़ता जा रहा है, ये सब समस्या है यूरोपियन यूनियन में। उसके बाद अमेरिका में भी रिसेशन चालू हो गया है सिर्फ रशिया के साथ में विवाद बढ़ाने की वजह से। अब रशिया फिर भी आज के टाइम पे उतना मजबूत नहीं जितना मजबूत चाइना है। चाइना से अगर बिना तैयारी के विवाद बढ़ाया तो दिक्कत बहुत ज़्यादा होनी है अमेरिका को भी, इसीलिए सारी तैयारी बनाई जा रही है पूरी तरीके से पहले उसकी रसद काट दी, क्योंकि जो कंपनीज हैं जो आज जैसे टेस्ला हो गया, ये आईफोन हो गया, ये सब अगर अचानक से इसके ऊपर पाबंदियाँ लगती हैं, अचानक से किसी चीज़ चालू होती है तो ये सब कंपनीज का बिजनेस मर जाएगा, कहाँ से बनाएंगे प्रोडक्ट, कहाँ बेचेंगे, इसीलिए फैक्ट्रियाँ अपनी इधर कर रही हैं। आप देखो साल डेढ़ साल के अंदर चाइना की पूरी घेराबंदी जो जकड़ना की उसका प्रोसेस है उसकी शुरुआत हो रही है, साल डेढ़ साल के अंदर उसको बहुत बड़े बड़े रिजल्ट आपको होते नजर आने वाले हैं।